मंदिर बनाना का आदेश भगवान जगन्नाथ से हुआ है, उनसे बड़ा कोई ताकत नहीं है। उन्होंने खुद साक्षात देवदूत भेजकर मुझको, साक्षात देवदूत, मैं उस घटना को बताता हूँ आपको। मैं ये बात है 2006-07 का बात है, मैं सोया हुआ था, अचानक मेरे कान में आवाज़ आई, मुकेश जैन आवाज़ आई कान के अंदर, जैसे आपकी माँ सुबह उठते बुलाती है। तो जब कान में आवाज़ आई तो मैं उठा तो मैं देखता हूँ साक्षात एक देवदूत खड़ा है, साक्षात कान में कुंडल है, हाथ में लट्ठे, पैरों में जूती है, ऊंची धोती है, धोती की किनारी पीली है, गमछा है लाल रंग का यहाँ पर, और धोती का रंग बोलते जो भगवान जगन्नाथ के मुख का रंग है। उसने एक दो ही शब्द बोला किंतु वो सब समझा के चला गया क्या करना है। मैं डर गया, घबरा गया। मैंने सोचा था कि मरने से पहले ही यमदूत दिखाई देता है, मैंने सोचा यमदूत आ गया है। वो आपको बताया था या ओम बाबा को बताया? मुझे 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 बताया, मुझे बता। किंतु जब मैं जिंदा रहा तो मुझे पता चला कि ये यमदूत नहीं है, ये देवदूत है। फिर देवदूत क्या, उसने जो मुकेश जैन सब बोला था ना, उड़िया बोला था, उसका शैली उड़िया थी। तो फिर पता चला कि भगवान, ये तो नाम मुकेश जैन है, नूतन कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माणशाला का मैं अध्यक्ष हूँ। आपको याद होगा कि 2 साल पहले ओम बाबा और हमने यहाँ पर घोषणा की थी कि क्योंकि कोणार्क का सूर्य मंदिर बंद है और उसको खुलवाने का हमने बहुत प्रयास किया, तो ओम बाबा घोषणा करके गए थे कि जैसा मंदिर कोणार्क में है इतना ही विशाल भव्य मंदिर कोणार्क में बनाया जाएगा, और सूर्य भगवान का जो पूजा 19 साल से रुका हुआ है वो पूजा उस मंदिर में आरम्भ किया जाएगा। आज ओम बाबा भले ही न रहे हो किंतु हम उनके सपने को पूरा करने में, उनके जो घोषणा थी उसको पूरा करने में कृत संकल्प है। कोणार्क में सूर्य पूजा स्थापना हो चुकी है, 7 फुट की सूर्य भगवान की भव्य मूर्ति है, उसकी पूजा की जा रही है, और रथ के चक्र के पहिए शिल्प स्तंभ शिल्प सैकड़ों किलो पत्थर राजस्थान से कोणार्क पहुँच चुके हैं, और हमारा सोचना है और मानना है कि आगामी माघ सप्तमी तक हम 4 रथ के पहिए सहित 7 घोड़ों सहित एक भव्य मंदिर, अभी पूजा अर्चना चालू है, एक मंदिर स्थापित हो जाएगा हमारा, और उसके बाद धीरे धीरे करके जैसा मंदिर राजा नरसिंह देव ने बनाया था, जो जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और आज भारत सरकार भी उसको नहीं खोल रही है, इतना ही भव्य मंदिर हम कोणार्क में स्थापित करेंगे।